तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर का पराठा, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और ये होममेड पनीर है, घर में ही दूध से बनाए हैं हम, तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो पनीर को हम यहाँ देखिए कद्दूकस कर लिए हैं और यहाँ पर बारीक काट लिए हैं बारीक प्याज, अदरक, लहसुन और हरा मिर्च, सब एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हम। तो यहाँ एक पैन चढ़ाएंगे गैस पे और डालेंगे थोड़ा सा सरसों तेल, बहुत ही कम तेल मसाला में ये पराठा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ सरसों तेल में सबसे पहले जीरा डाल देंगे और हरा मिर्च डालेंगे, और इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, एकदम कलर आने तक बिल्कुल हल्का सा इसे देखिए एकदम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और तुरंत ही इसमें प्याज डाल देंगे, तो प्याज को भी ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा 1 से 2 मिनट। बस इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे और ये पराठा इतना स्वादिष्ट लगता है कि आप बच्चों को भी टिफिन में, लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसे ज़्यादा देर कर रख कर भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट बना रहता है। तो यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे अब हम, और थोड़ा सा डाल देंगे ब्लैक पेपर, और कुछ नहीं डालेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब ये भून चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो गैस का फ्लेम एकदम कम कर देंगे। अब डालेंगे हम इसमें अदरक, अदरक लास्ट में ही डाल लेंगे इसे। अदरक को डालकर ज़्यादा फ्राई करना नहीं होता है, ज़्यादा फ्राई करने से अदरक कड़वा हो जाएगा। और साथ में डाल देंगे हम यहाँ पर बारीक किया हुआ पनीर, तो इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए इसे भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें हम धनिया पत्ता, ये हरा धनिया पत्ता एकदम बारीक अच्छे से धोकर काट लिए थे। अब इसे डालकर मिक्स कर लेंगे। अब ज़्यादा भूनना नहीं है, ये हो चुका है पनीर फ्राई हो चुका है। अब इसे अलग रख देंगे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए। यहाँ देखिए पनीर को हम अब छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, इस तरह फैलाकर ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तब तक यहाँ पर हम आटा लगा लेंगे। तो ये गेहूं का आटा है पराठे बनाने के लिए। इसमें थोड़ा सा हम 1 चम्मच के लगभग घी डालेंगे। घी डालने से पराठा एकदम ज़्यादा देर तक सॉफ्ट नरम बना रहता है। और फिर नॉर्मल पानी से हम आटे का डो इस तरह तैयार कर लेंगे। आटे का डो ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे, सॉफ्ट रखेंगे ताकि पराठा बेलते समय फटे नहीं। अब ये भी देखिए ठंडा हो चुका है, आटा भी ढक कर रख दिए थे 10 से 15 मिनट तक आटे को रेस्ट करने के लिए। और पनीर भी ठंडा हो चुका है, जब तक एकदम ठंडा नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा, पराठा फट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा लोई लेंगे और सूखा आटे की मदद से इसे गोल कर लेंगे और इसे बेल लेंगे हम। तो आप चरखुट्टा या गोल किसी भी तरह बना सकते हैं। तो स्क्वायर में हम बना रहे हैं, तो पहले इस तरह रोटी का शेप में बेल लेंगे। आप गोल भी बना सकते हैं, हम दोनों तरह का बनाएंगे पराठा यहाँ पर। तो पहले एक रोटी की तरह बेल लेंगे, उसके बाद में बीच में इसमें रख देंगे स्टफिंग, उसके बाद हम दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह देखिए दोनों तरफ से करने के बाद दोनों साइड से भी इस तरह फोल्ड कर लेंगे और हाथों से अच्छी तरह दबाते हुए। तब तक गैस को हम जला लिए हैं, तवा रख दिए हैं गैस पे, और यहाँ सूखे आटे की मदद से इसे अच्छी तरह से एकदम पतला बेल लेंगे। यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से बेल लिए हम। अब तवा भी गर्म हो गया है, तो देखिए पराठे को हम डाल दिए हैं तवा पर। अब इसे उलट पुलट कर हम सेकेंगे
आप चाहें तो इसमें बटर या घी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ घी लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है घी लगा देने से, और बटर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे उलट पुलट कर इस तरह कलछी से दबा दबा कर हम सारे पराठे इसी तरह सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से पराठा का कलर आया है। तो आप चाहें तो इसे इसी तरह भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। या सॉस के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ, किसी के भी साथ खाइए, ये पराठा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। यहाँ देखिए दूसरा पराठा भी हम उसी तरह तवे पे डाल दिए हैं, और इसे उलट पुलट कर घी लगाकर, बस थोड़ा थोड़ा सा घी लगाकर हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे कलछी से दबाते हुए। और स्टफिंग पूरा अच्छी तरह से ढेर सा भरा हुआ है, इसीलिए ये इतना फूलता नहीं है। तो आपको हम काट कर भी दिखाएंगे, अभी एकदम अंदर पूरा भरा हुआ रहता है पनीर। तो फिर से एक बार देख सकते हैं, इस तरह हम स्टफिंग को बीच में डालने के बाद इस तरह हम फोल्ड करते हैं, और उसके बाद पलट कर इसमें सूखा आटा लगाकर इसे अच्छे से बेल लेंगे। घर में जब कभी भी पनीर फट जाता है तो भी इस तरह बना सकते हैं, दूध जब फट जाता है। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा, अंदर तक देख सकते हैं आप कितने अच्छे से पराठा में पनीर पूरा भरा हुआ है, और एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम है। तो यहाँ पर देखिए गोल पराठा भी हम बनाए हैं, और स्क्वायर में भी बनाए हैं, और एकदम सॉफ्ट, नरम, मुलायम, मुंह में घुल जाने वाला पराठा है ये। और पनीर का पराठा, आलू का पराठा तो सभी को पसंद आता है, आप बच्चों को भी लंच बॉक्स में दें तो इस तरह बहुत देर तक सॉफ्ट रहता है। तो बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब